वहीं रायपुर में मतगणना से पहले नियमितीकरण की मांग अब तेज होती जा रही है। अनियमित कर्मचारियों ने मुख्य सचिव को इसे लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 10 सूत्रीय मांग पत्र को मुख्य सचिव को सौंपा गया है। शासन से जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई है। अनियमित कर्मचारी मोर्चा से जुड़े संगठनों की अब एक बैठक होगी और 3 दिसंबर के बाद ये बैठक की जाएगी। आंदोलन की तिथि का भी जल्द ऐलान किया जाएगा और अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो अनियमित कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए भी नजर आएंगे। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अनियमित कर्मचारी अब साफ तौर पर खुलकर सामने आ गए हैं, सिर्फ उन्हें इंतजार है चुनाव के नतीजों का। देखिए, छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारी पिछले कई सालों से अपनी नियमितीकरण की मांग सहित 10 सूत्री मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए थे। लगातार उनका धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल भी चलता रहा था। पिछले अब हम कुछ महीने पहले की बात करें तो नया रायपुर स्थित धरना स्थल में कई लंबे समय तक इनका आंदोलन चला था। रोज अलग अलग तरीके से ही अपने नियमितीकरण की मांग सहित जो अन्य मांगे उसे लेकर धरना प्रदर्शन करते आए थे और एक आश्वासन के बाद इन्होंने अपनी हड़ताल जो है वो खत्म कर दी थी। लेकिन अभी तक किसी तरीके का फैसला नहीं होने पर एक बार फिर से ये उग्र होते नजर आ रहे हैं और इसे लेकर मुख्य सचिव को इन्होंने एक पत्र भी सौंपा है जिसमें 10 सूत्री मांग है और बकायदा बताया है कि उनकी मांगों को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है और जो वेतन है वेतन को भी लेकर इन्होंने उसमें जानकारी दी है। और 3 तारीख के बाद ये कभी भी 100 से अधिक संगठन जो है अनियमित कर्मचारी संघ के वो एक साथ बैठक में शामिल होंगे और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आखिर किस तरीके से अपने मांगों को लेकर आवाज उठाना है और क्या कुछ फैसला जो है वो आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बार फिर से अनियमित कर्मचारी संघ जो है वो इस पूरे मामले को लेकर उग्र होता नजर आ रहा है। जी चलिए गौरव, शुक्रिया जानकारी के लिए।